हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है जावेद, आप देख रहे हैं हेल्पफुल ऑफ द यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 1 जनवरी 2020 से रेलवे ने बहुत कुछ बदल दिया, जैसे कि उसने किराया अपना चेंज कर दिया, यानी कि किराया कुछ बढ़ा दिया। इसी तरह से रेलवे ने एक नई फैसिलिटी दी है 139 पर कॉल करने की। 139 को अब अपडेट कर दिया गया, क्या अपडेट किया गया है इसी के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि 8 नई सुविधाएँ जोड़ दी गई हैं 139 पर जब आप कॉल करेंगे। 139 पर जब आप कॉल करेंगे तो रिस्पांस इस तरह से मिलेगा, जैसे आप वोडाफोन या आइडिया या जियो के कस्टमर केयर पर बात करते हो, उधर से कंप्यूटर बोलता है कि बैलेंस की जानकारी के लिए 1 दबाएं। इसी तरह सेम रेलवे ने कर दिया, यानी कि सारे नंबरों को हटा दिया है, रेलवे एक नंबर लेकर आ गया है 139 139। जब 139 पर आप कॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से कंप्यूटर बोलेगा, सुरक्षा और मेडिकल के लिए 1 नंबर दबाना है आपको, पूछताछ PNR या किराया टिकटिंग से जुड़ी जानकारियों के लिए 2 नंबर आपको दबाना है, कैटरिंग संबंधी शिकायत के लिए 3 नंबर दबाना है, आम शिकायत के लिए 4 नंबर दबाना है, सतर्कता और भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए 5 नंबर दबाना है। ये 5 नंबर ऑप्शन काफी ज्यादा बेस्ट है। यहां पर अगर TT आपसे कोई बेईमानी करता है या एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है या फिर कोई आपके साथ सरकारी कर्मचारी स्टेशन का या रेलवे का कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसकी शिकायत 5 नंबर बटन दबाकर कर सकते हैं। रेलवे से जुड़ी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए आप 6 नंबर दबा सकते हैं और शिकायत का स्टेटस जानने के लिए 9 नंबर दबा सकते हैं और कॉल सेंटर पर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, 139 नंबर को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अब सारे नंबर रखने की जरूरत नहीं, आपको अपने मोबाइल में सिर्फ 1 नंबर रखिए 139, उस पर कॉल करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।